नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में, क्या न्यू अपडेट है 31 सितंबर की वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने इस मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आवेदन दिया था, अभी भी उनका एप्लीकेशन पेंडिंग बता रहा है। किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको स्टाइफंड यहाँ पर जो मिलेगा, ठीक है, क्या न्यू अपडेट है इस बारे में, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिन लोग की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो लोग यहाँ पर जो है ड्यूटी कर रहे हैं, 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है, उन लोग को यहाँ पर स्टाइफंड मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब कौन से अभ्यर्थी को यहाँ पर स्टाइफंड मिलेगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्या इसकी यहाँ पर प्रोसेस रखी गई है। चलते हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो न्यू अपडेट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। जैसे आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 9000 प्लस यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है रोज़ यहाँ पर ज्वाइनिंग चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेकआउट कीजिएगा, हो सकता है आपका यहाँ पर अप्रूव हो गया हो, आप रोज़ यहाँ पर चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर ज्वाइनिंग चल रही है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, अभ्यर्थी और वैकेंसीज जो आ रही थी अलग अलग यहाँ पे जो है फील्ड में, वो भी यहाँ पर जो है बढ़ गई है, ठीक है। तो कुल यहाँ पर जो पंजीकृत अभ्यर्थी की संख्या भी यहाँ पर बढ़ चुकी हुई है, और उसके बाद कुल यहाँ पर जो लोग की ज़रूरत है कुल, वो भी यहाँ पर पद भी बढ़ा दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस पर डेली वेबसाइट पर अपडेट आ रहा है। अब यहाँ पर जो है स्टाइफंड आपको किस तरीके से मिलेगा वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लाइव। यहाँ पर फ्रेंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ पर जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। तो हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिय अभ्यर्थी कैसे अपना आधार बैंक खाते लिंक एवं डीबीटी सक्रिय करवाने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। आधार लिंक ना होने पर अवतरण डीबी सक्रिय ना होने पर आपका यहाँ पर जो है मासिक स्टाइफंड प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है बता दी गई है। तो अगर आप लोग को स्टाइफंड चाहिए तो आप लोग को यहाँ पर जो आपका बैंक जहाँ पर भी आपका, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको डीबीटी ऑन करवाना होगा, साथ ही साथ आपको आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट जो है उसको लिंक करवा लेना है, तो ही यहाँ पर जो है आप लोग को स्टाइफंड मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ कराई है, उन लोग को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उन लोग को स्टाइफंड हर महीने यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने अभी भी नहीं कराया और जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो लोग जॉब पर यहाँ पर जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोग को सबसे पहले यहाँ पर जो है डीबीटी ऑन करा लेना है, उसके बाद आधार कार्ड लिंक करा लेना है आपके बैंक अकाउंट से, तो आपका स्टाइफंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले करा लेनी है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन स्टेटस की। अभी भी यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग का पेंडिंग बता रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है, देखिए इस पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना था, टिकट बनाना था, ठीक है। पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है ये आईडी बता रहा है, आवेदन आईडी बता रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको जो है नंबर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो डेट भी बता रहा है 8/8/23 यहाँ पर आवेदन किया गया था। अभी भी यहाँ पर जो है पेंडिंग बता रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ पर जो है टिकट क्रिएट कर लेना है। टिकट में आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ उनको अच्छे से बता देनी है। हम लोग 1 मंथ पहले यहाँ पर अप्लाई किया था, अभी भी हमारा पेंडिंग बता रहा है किस तरीके से हम यहाँ पर जो है इसको ज्वाइन करें, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको जो है बतानी है। हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप यहाँ पर जो पूरा इसको स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर ये चीज़ करेंगे ना, तो हो सकता है यहाँ पर जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर क्वेरीज को सॉल्व किया जाए इनके साइड से, ठीक है। तो आपको ये करना है। टिकट क्रिएट करने का यहाँ पर जो आप लोग इसका टिकट इसको वो भी देख पाएंगे, टिकट किस तरीके से आपको देखना है, टिकट पे क्या एक्शन हुआ है वो भी यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे। तो यही एक तरीका है जिससे आप लोग आपका पेंडिंग जो एप्लीकेशन बता रहा है इसको आप अप्रूव करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग काफ़ी लोग की हो चुकी है, और कई लोग ऐसे हैं जिन लोग का इंटरव्यू हुआ है और अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आपको आपका जहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है उस कंपनी का आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको उसका नाम भी देखने को मिल जाएगा कंपनी का। तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है कि हमारा इंटरव्यू यहाँ पर जो हो चुका है, तो हम लोग ज्वाइनिंग हमारी कब से होगी, आप उनसे ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं, उसी के बाद ही आपको ज्वाइन करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके बैंक डिटेल्स है, वो आपको पहले दे देनी है, ठीक है, कि बाद में आपका स्टाइफंड अगर दिया जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कई लोग को यहाँ पर मैसेज भी जा रहे हैं कि आप लोग का यहाँ पे जो इंटरव्यू है, यहाँ पे जो है आपका जो प्रोफाइल था वो सिलेक्ट हो चुका है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए। तो आपको उस मैसेज पर ध्यान देना है, उसको इग्नोर आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसी कोई भी मैसेज आता है तो आप उसको समझिएगा कि आपकी जो प्रोफाइल थी वो शॉर्टलिस्ट हो गई है, अब आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लॉगिन करके रोज़ देख सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर जो है दूसरी जॉब के लिए भी प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ मंथली स्टाइफंड मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या न्यू अपडेट आएगी वो यहाँ पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो बाकी अगर कोई भी और न्यू अपडेट आती है इस योजना के बारे में, तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर यही न्यू अपडेट है,
कुल ज्वाइनिंग अभ्यर्थी यहाँ पर संख्या बढ़ चुकी है और जिन लोग को स्टाइफंड मिलेगा मैंने आप लोग को बता दिया है, जिन लोग का यहाँ पर DBT ऑन है, आधार कार्ड लिंक है बैंक अकाउंट से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मंथली यहाँ पर उनको स्टाइफंड मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड से आज शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई और न्यू अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, इसी तरह की सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।